जब से अब्दुल वासे माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हुआ तो हर साल इन दिनों में ज़रूर मेरे साथ जो है वो प्रोग्राम में शामिल होता है. एंड ऑफ फरवरी हम गए थे माल्टा, सो एज़ सून एज़ वी केम बैक कंप्लीट पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जो हाइप थी वो शुरू हो गई और फिर आपके सामने. रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाज़रीन, आप सब आज़ाद खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे. नाज़रीन, कई साल हो गए जब से अब्दुल वासे माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हुआ तो हर साल ख़ास तौर पे जैसे ये जो दिसंबर का महीना होता है इस महीने में अक्सर जो है वो हर साल यानी इन दिनों में ज़रूर मेरे साथ जो है वो प्रोग्राम में शामिल होता है. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसको बिल्कुल छोटे से उम्र से चार पाँच साल की उम्र से देख रहे होंगे और हर साल माशाल्लाह बड़ा होते होते अब तो अब्दुल वासे माशाल्लाह 16 का हो गया है. तो अब्दुल वासे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से? कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. यहाँ पे लंदन में हूँ, टियर 4 में. हाँ, लॉकडाउन ही है बेसिकली, लेकिन टियर 4 में हैं हम, घरों में बैठे रहते हैं, लेकिन क्या करें, सेफ्टी के लिए. सेफ्टी के लिए? जी जी जी. अच्छा, आज आते हुए ट्रैफिक थी? बिल्कुल नहीं थी. आपके साथ आए हैं. तो कैसा ये पूरा ये साल कैसा गुजर रहा है आपका साल कोरोना वायरस के साथ? शुरू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ था. हम पाकिस्तान में थे, फिर वापस आए तो GCSEs की तैयारी में थे और फिर हम माल्टा भी गए थे जैसे आपको पता है. उसके बाद माल्टा के हम जब एंड ऑफ फरवरी हम गए थे माल्टा, सो एज़ सून एज़ वी केम बैक कंप्लीट पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जो हाइप थी वो शुरू हो गई और फिर आपके सामने पूरा लॉकडाउन. और साल काफ़ी जल्दी गुजरा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ किया नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ें भी की हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हैव अ गुड एंड टू द ईयर. तो अभी ख़त्म होने वाला है 2020. बिल्कुल है जी. तो क्या क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या होने वाले का तो प्रेडिक्ट मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह से दुआ है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और लाइफ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट मोमेंट. बहुत अच्छी बात है. तो आज आप क्या सुनाएंगे हमारे नाज़रीन को? पहले सबसे पहले एक हम सुनाऊंगा मैं. अच्छा. ये बिल्कुल एक नई लिखी हुई हमद है और हमने ही कंपोज की है, मैंने और हाफिज़ फ़सी आसिफ साहब ने. तो बिल्कुल कंप्लीट नई चीज़ है, मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगा. तो अभी तुम कंपोज़र भी बन गए हो? अभी मदद ले रहा हूँ लोगों से, लेकिन इंशाल्लाह ये भी एक शौक है मेरा, तो इंशाल्लाह इसमें भी आगे बढ़ेंगे. मतलब इसकी जो ट्यून है, धुन है, वो आपकी अपनी बनाई हुई है? जी, इन तीनों की जो मैं अभी पढ़ूंगा, तीनों हैं. उनमें से जो हमद और नात है तकरीबन 50-50 मेरी होगी, लेकिन जो एक स्पेशल एक कलाम है, नज़म है, आज वो पढ़ूंगा. आप लोग ज़रूर उसके लिए वेट करना. उसका टॉपिक भी बहुत यूनिक और स्पेशल है. उसकी ट्यून अल्हम्दुलिल्लाह से खुद से कंपोज की है मैंने. अच्छा, माशाल्लाह. चलो जी, बिस्मिल्लाह. सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ूंगा. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وہ روح پرور ہر ایک منظر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ روح پرور ہر ایک منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ملتی ہے ایسی اس کی عطائیں
مٹتی ہیں ہر دم اپنی خطائیں، ملتی ہیں ایسی اس کی عطائیں، مٹتی ہیں ہر دم اپنی خطائیں، اس کی فضائیں بھی ہیں معطر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک کی آتی ہے صدائیں اور گونجتی ہے حق کی ندائیں، لبیک کی آتی ہے صدائیں اور گونجتی ہے حق کی ندائیں، دیکھا سروں کا میں نے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے ماشاءاللہ، واللہ یہ تو روح فضا ہے، اس میں شفا ہے اس میں غذا ہے، واللہ یہ تو روح فضا ہے، اس میں شفا ہے اس میں غذا ہے، زمزم بھی پیتے ہیں پیٹ بھر کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت اعلیٰ، ماشاءاللہ عبد الواسع، زبردست، اور کالیں بھی ہیں ساتھ ساتھ کال بھی لیں گے، اور بہت زبردست ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ، سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے،